मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं जीरो से लेकर शिखर तक हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ, जो सरल से सरल एवं सुगम से सुगम हमारे बच्चों के बीच जो है याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारी शुरुआत होती है, बच्चे ध्यान देना कि व्याकरण व्याकरण है क्या, व्याकरण किसे कहते हैं। कन्फ्यूजन में हमारे बच्चे पड़ जाते हैं, तो कारण क्या है कि नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं चलिए बच्चों को समझा रहा हूं। व्याकरण, व्याकरण दो शब्दों से बना है, व्याकरण दो शब्दों से बना है, जिसका जैसे वि उपसर्ग लगा है और आकरण, तो व्याकरण वि का अर्थ भली भांति होता है और आकरण का अर्थ अंकन करना या समझना। पुनः प्रवृत्ति कर रहे हैं, व्याकरण बी का अर्थ होता है भली भांति और आकरण का अर्थ होता है अंकन करना या समझना। अर्थात कोई भी चीज को हम भली भांति अंकन कर लें, उसे समझ लें, उसके बारे में जान जाएं, वही है व्याकरण। ध्यान देना प्यारे बच्चों, माने कोई भी चीज को हम भली भांति से अंकन कर लें, उसे समझ लें, उसके बारे में जान जाएं, वही है व्याकरण। अर्थात एक अन्य परिभाषा भी बता रहे हैं कि जिस शब्द से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। शुद्ध शुद्ध बताया गया है कि कोई भी चीज यदि हमारा बच्चा भूलवश यदि लिख देता है, सीता जाता है, आराम जाती है, तो इसको हम कैसे पकड़ेंगे। तो व्याकरण के तरीका है जैसे स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, तो हम समझेंगे कि जहां राम शब्द आया है पुल्लिंग, तो राम शब्द पुल्लिंग है, तो राम शब्द के लिए राम जाता है और सीता जाती है, न कि सीता जाता है, सीता स्त्रीलिंग है। इसलिए व्याकरण ही एक ऐसा मेथड है, व्याकरण ही एक ऐसा रूप है जिसके बारे में हमारे बच्चे जान सकते हैं। इतना जरूर ध्यान देना है कि जिस शब्द से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण और भाषा में कोई अंतर है नहीं, भाषा तो एक बोली का माध्यम है, वो भी तो है, लिखकर, बोलकर और सांकेतिक हम भाषा उसको कह देते हैं। लेकिन यहाँ व्याकरण पर हमारे बच्चे जरूर समझना, बार बार इसको पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का ध्यान इस पर आएगा कि शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना आ जाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। चलिए आगे और भी है, हमारे देश में कई भाषाएं चलती हैं,
यदि बिहार में हम लोग साधारण रूप से लें तो मैथिली भाषा है, मगही भाषा है और भोजपुरी भाषा है। तो भोजपुरी भाषा का तो प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रिक है यदि हम भोजपुरी भाषा में ही यदि हमारा छोटी सी बच्चे से लेकर थोड़ा बच्चे बड़े भी हैं तो ट्रिक के माध्यम से यदि जान जाएं तो और इससे भला क्या हो सकता है। जैसे चलिए हम कहते हैं कि साधारण भोजपुरी में लिखे पढ़े बोले सही सही, अब व्याकरण लही लही, माने लिखे, चलिए भोजपुरी भाषा, लिखे पढ़े बोले सही सही, व्याकरण लही लही, माने लिखे से लिखना, पढ़े से पढ़ना, अब बोले से बोलना, आ सही सही माने शुद्ध शुद्ध, आ व्याकरण व्याकरण, लही माने प्राप्त करना, जो लही शब्द आता है तो लही माने होता है स्वीकार करना, प्राप्त करना। तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर ये ट्रिक को याद रखिएगा, हमेशा काम के लिए आएगा। हम बच्चे देखते हैं कि नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे भी लेकर पांचवी कक्षा से बारहवीं कक्षा के बच्चे भी व्याकरण की परिभाषा में भूल जाते हैं। तो साधारण सिंपल परिभाषा है, हमारे बच्चे ध्यान देना वही क्या कि लिखो लिखे पढ़े बोले सही सही और व्याकरण लही लही। तो लिखे से लिखना, पढ़े से पढ़ना, बोले से बोलना, जो और सही सही माने शुद्ध शुद्ध बिल्कुल आ जाए, उसी प्राप्त हो जाए, वही है व्याकरण। तो हमारे प्यारे बच्चे हम आशा रखते हैं कि जरूर याद, हमारे ट्रिक के माध्यम से याद करना, और साधारण खड़ी हिंदी में भी यदि याद करना है तो जिस शब्द से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना एवं बोलना आ जाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ऊपर परिभाषा मैंने विच्छेद कर मैंने बता दिया है दोनों का। चलिए बच्चे आगे हम चलते हैं व्याकरण। व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, वो क्या क्या होते हैं एकदम दिमाग में जरूर रखना। व्याकरण के तीन विभाग जहाँ मैंने एरो द्वारा सांकेतिक चिन्ह के माध्यम से बताया है, तो पहला है वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ध्यान देना व्याकरण के इन्हीं तीन विभागों पर ही आगे हम बढ़ रहे हैं और तीनों विभागों के बारे में हम जो है तीनों की परिभाषा के साथ उसके बारे में बताएंगे। तो याद रखना पुनः एक बार पुनरावृत्ति कि व्याकरण के तीन विभाग होते हैं, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो चलिए शब्द विचार के अंतर्गत क्या आते हैं, तो याद रखिएगा कि शब्द विचार के अंतर्गत मतलब व्याकरण का वह विभाग है जो शब्द विचार है, वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें किसी भाषा के रूप भेद एवं उच्चारण के नियम दिए जाते हैं, माने वर्णों के बारे में उस पर विचार करना। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल वर्ण रहेगा, वर्ण वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और वर्णों के उच्चारण स्थान, ये तो बोर्ड परीक्षा में बहुत ही मशहूर वर्ण विचार से प्रश्न बनकर आते हैं। चलिए आगे हम बताएंगे बेटा, ध्यान देना है
दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार क्या है? तो यह भी व्याकरण का वह विभाग है जिसमें भेद, स्थान, स्थान्तर एवं नए रूपों के नियम दिए जाते हैं इस शब्द विचार में। जैसे आगे हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, रूपांतर की दृष्टि से, व्युत्पत्ति के दृष्टि से, रचना एवं बनावट की दृष्टि से हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जैसे सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द, जैसे उसी तरह वर्ण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, शब्द में शब्द विचार में चलिएगा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द, और वाक्य विचार में भी वाक्य क्या हैं, वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यह भी वाक्य जो है, वाक्य यह भी है जिसमें वाक्यों के भेद, उसके नियम और प्रत्येक वाक्य के, जैसे उसमें भी हम पढ़ेंगे सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रण वाक्य क्या है। बहुत से वाक्य 8 प्रकार में हम बताएंगे। बच्चे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है।